आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के साथ साथ जो रद्द की गई है उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में किशनगढ़वास में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुतला फूंका जा रहा है। आइए जानते हैं क्या पुतला बनता है, पुतला फूंकने की जरूरत किसी को बताए क्यों पुतला फूंका जा रहा है। आज पूरे देश में जिस तरह का माहौल पैदा इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, आज आम कार्यकर्ता के मन में एक पीड़ा है कि पहले अंग्रेजों को राज में इस तरह का नहीं होता था जो आज हो रहा है। मोदी जी या अमित शाह जी किसी भी कांग्रेस नेता के खिलाफ, हमारी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ कुछ भी कह दें, यानी सोनिया जी को गाय कह दें और राहुल जी को बछड़ा कह दें, ये अपमान शब्द नहीं है। और अगर मान लो कुछ राहुल जी ने छोटी मोटी बात कह भी दी तो इतनी बड़ी उन्होंने जो षड्यंत्र रचकर एक वापस जज को बैठा करके और जो उन्होंने ये कार्य किया है राहुल जी के खिलाफ, ये आम जनता देख रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जनता आने वाले टाइम में बख्शेगी नहीं आप। और इस पूरे माहौल को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि ये हो सकता है इस तरह का माहौल पैदा कर दे जिस तरह से उस अंग्रेजों के राज में जलियांवाला बाग में माता बहनों ने कूद कूद कर अपनी जान बचाई थी, इसी तरह का माहौल ये पैदा करने को जा रहा है कि लोग हो सकता है चुपचाप बोले नहीं। और इनकी जो अडानी के खिलाफ जो उनको जो बातें थी जो राहुल जी हमारे बोल रहे थे वो ये आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस माहौल में जो इन्होंने ये माहौल पैदा किया है, ये जनता आने वाले टाइम मोदी को जवाब देगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी या तो अपनी ये रवैये सुधार लें, जो जनता का बोलने का हक है, अपनी मांग रखने का हक है, जनता बोलेगी, लेकिन आपको सुनना भी चाहिए। आप इस देश के राजा हैं, आपको सुनना चाहिए। राजा को कभी भी इस तरह की तानाशाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए पूरे देश में आज मोदी के खिलाफ जो जनाक्रोश है इसी देखने को मिल रहा है, पर हिंदुस्तान में इस तरह से मोदी जी खत्म हो गया। यहाँ मौजूद है विधायक दीपेंद्र खेरिया के पुतला मोदी का चक्कर में आगे चढ़वा लिया।